तो यूँ तो आपने हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल बहुत ज़्यादा गूंजता है कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन लेना क्या ज़रूरी होता है, गोलियां दवाई लेना क्या ज़रूरी होता है कि नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अगर गोलियां लेंगे तो कितने समय तक हमारे बाल रहेंगे, कैसा हमारा बाल रहेगा, गोलियां नहीं लेंगे तो हमारे बाल कितने समय तक रहेंगे और रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सारे सवाल आपके दिमाग में चलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र राजपूत है। जैसे आप लोगों को पता है कि आज से 5.5 साल पहले मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और पूरी जर्नी इस चैनल पे शेयर करता हूँ। आज ये जो बातें हैं, जो डाउट्स हैं, वो मैं क्लियर कर दूंगा विद प्रूफ के साथ। और इस वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा नॉलेजबल वीडियो आपको कोई नहीं बताएगा। तो पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाना चाहूँगा जिसे मैंने खुद शूट किया है, बिना PRP, बिना मेडिसिन, बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चे के नेचुरल रिजल्ट, जिसने कोई भी PRP नहीं लिया है, कोई मेडिसिन नहीं लिया है। कुछ वीडियोस हैं जो आप देखकर समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग मेरा वीडियो भी। आइए देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने रिजल्ट के वीडियोस तो देख लिया। इन सारे वीडियो में एक कॉमन सी बात है कि ये सारे वीडियोस और जो रिज़ल्ट हैं मैंने खुद शूट किए गए हैं एक क्लिनिक के हैं, सिक्योर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, कोई अदर क्लिनिक का नहीं है। दूसरी बात कि इन्होंने कोई PRP नहीं ली, कोई मेडिसिन नहीं लिया, कोई भी अपने बालों के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया। मेरा रिजल्ट जो आप देखेंगे सामने, आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं सामने, आप देखिए कि मेरे जो हेयर लाइन्स हैं आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एक एक जो ग्राफ्ट है वो प्रॉपर लगे हुए और आप बालों को गिन सकते हैं। वैसे ये नेक्स्ट वीडियो में भी है कि एक एक जो बाल है वो प्रॉपर लगे हुए हैं, आजू बाजू कोई छोटे छोटे बेबी हेयर्स नहीं है, आप पूरे बाल इनके भी गिन सकते हैं। इंक्लूड ये भी वीडियो आप देख लीजिए कि ये वीडियो में भी आपको सारे बाल बराबर क्लियर दिख रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बेबी हेयर्स मतलब छोटे छोटे बाल आजू बाजू नज़र नहीं आ रहे हैं। जो मैं समझाना चाह रहा था, अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद PRP, मेडिसिन, मेनोक्सोडेल्स, ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते हैं अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके जो बाल है, जो आपके नेचुरल बाल है, जो इम्प्लांट किए हुए बाल है, जो ग्राफ्ट है, जो रिज़ल्ट आता है वो बराबर स्ट्रेट निकलेंगे। जहाँ जितने ग्राफ्ट लगाए वहाँ से उतने ही बाल निकलेगा और वो आपको पूरा नेचुरल रहेगा। बात रही डेंसिटी की, जितना अच्छा डेंसिटी देंगे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में उतना ज़्यादा घना आपका रिज़ल्ट आएगा और नेचुरल रिज़ल्ट आएगा। दोस्तों ये रही बिना PRP बिना मेडिसिन के बाद, जहाँ तक रही दोस्तों इनकी लाइफ, अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आप मेडिसिन PRP नहीं लेते हैं, पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो आज से 5.5 साल पहले मैंने भी रिज़ल्ट करवाया था और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई PRP और मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। ये रही पहली बात। और लॉन्ग लाइफ, ये चलता ही जाता है, कोई भी इसमें दिक्कतें नहीं आती। इवन मैं बोल सकता हूँ कि आपके जो ग्राफ्ट लगाए गए हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है, वो बाल झड़ते ही नहीं हैं। बात दूसरी की भाई, अगर आपको कोई बीमारी हो गई या फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो गई उसकी बात अलग है, क्योंकि वो आपके इंटरनल प्रॉब्लम है, बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते, ये एकदम सच्चाई की बात है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं दोस्तों कि भाई PRP लेने के बाद हमारा रिज़ल्ट कैसा होता है। PRP लेने के बाद रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से होता है, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो हेयर ट्रांसप्लांट अच्छी तरीके से नहीं किया जाता मोस्टली, वो PRP लेने के लिए पेशेंट को बोलते हैं, मेडिसिन लेने के लिए पेशेंट को बोलते हैं, फेनेस्ट्राइड, मेनोक्सोडिल, ये सारे प्रोडक्ट लेने के बोलते हैं। इनकी कॉस्टिंग भी मार्केट में 20,000-25,000 होती है, जो आपको हर 2-3 महीने में लेना पड़ता है, वो आपके एक्स्ट्रा खर्चा होते हैं। ये अदर क्लिनिक की बात कर रहा हूँ मैं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के थ्रू पे बता रहा हूँ, ये ऐसा होता है। दूसरी बात, जो इनकी लॉन्ग लाइफ होती है वो जब तक आप PRP मेडिसिन ले रहे हैं तब तक ही रहेंगी, उसके बाद जैसे ही आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन PRP लेना बंद कर देंगे, वैसे ही आपके बाल, हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल और आपके एग्जिस्टिंग बाल,
झड़ना चालू हो जाएंगे। दूसरी बात, ये जो आपको मैंने जैसे बताया कि पहले आपके जो बाल होते हैं इम्प्लांटेड किए हो जिसमें PRP नहीं लेना होता है, वहाँ से आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए कि भाई ये है ट्रांसप्लांटेड बाल है और प्रॉपर इसमें से ग्राफ्टिंग हुई है। दूसरी बात, इसमें जो सेकेंड पार्ट आता है कि भाई मेडिसिंस लेने के बाद जो आपको ग्राफ्ट लगे रहते हैं उसके बाजू में आपको बेबी हेयर्स दिखते हैं, छोटे 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 बाल दिखते हैं, वो क्यों? क्योंकि उससे आपको PRP लेना पड़ता है, मेडिसिन लेना पड़ता है और फेनेस्टाइड लेना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में लेनी पड़ती है, उसके कारण आपके वो बाजू में बेबी हेयर्स दिखते हैं और उससे डेंसिटी दिखने लगता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हैं और बहुत नेचुरल है। लेकिन इसका सबसे बड़ा हार्म आपके बॉडी पे पड़ता है। कॉमन सी बात है, अगर कोई भी आप चीज़ कंटिन्यू ले रहे हैं वो उसकी हैबिट हो गई आपकी बॉडी को, जैसे ही आप छोड़ते हैं तो उसका इफ़ेक्ट भी आपको दिखता है, ये चीज़ें आपको पता ही है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा इन दोनों में फ़र्क सबसे बड़ा कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद PRP लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ कि जहाँ से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाए थे, यानी कि सिक्योर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जो कि है पूना महाराष्ट्र में, एक ही क्लिनिक है, कोई इसकी फ्रेंचाइजी नहीं है, ये पूना महाराष्ट्र में, कोई भी अदर क्लिनिक नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मुझे कंप्लेंट्स मिलते हैं कि भाई आपके लेकर, आपके नाम को लेकर बहुत जगह बोलते हैं कि इनकी यहाँ भी क्लिनिक है, वहाँ भी क्लिनिक है। लेकिन मैं ये चीज़ें आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि कहीं भी अदर क्लिनिक नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है पूना महाराष्ट्र में, तो बिल्कुल आप इधर उधर जाइएगा मत। ये दिया हुआ क्लिनिक नंबर है, इसी पे ही कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जो मैं बोल रहा था दोस्तों कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, पर्सनल सजेशन है, पर्सनल बातें हैं कि आपको PRP नहीं लेना चाहिए। अगर आपका डोनर एरिया, ये जो बैक साइड है जहाँ से हम ग्राफ्ट निकालते हैं, अगर वो स्ट्रांग है, आपके बाल अच्छे हैं, तो आपको बिल्कुल PRP और मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। 100 में कुछ दो ही केसेस होते हैं जब हम खुद रिकमेंड करते हैं कि आप गोलियां या फिर PRP आप अपने सुविधा के अनुसार ले सकते हैं, उन लोगों को जिन लोगों के ग्राफ्ट बिल्कुल अच्छे नहीं होते, जिनके बाल पतले हो चुके होते हैं, जिनका डोनर एरिया बिल्कुल नहीं होता है, उनको ही रिकमेंड किया जाता है। लेकिन 100 में सिर्फ दो ही लोगों को, ऐसा नहीं है। बाकी दोस्तों मैं पर्सनल अपने हिसाब से, अपना भाई समझ के आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि बिल्कुल घबराने और डरने की बात नहीं है, आप निश्चिंत होकर इस दिए हुए क्लिनिक नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि सिक्योर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है, जहाँ आपको PRP की झंझट नहीं पड़ेगी, मेडिसिन की झंझट नहीं पड़ेगी, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे की झंझट नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ रहना खाना मेडिसिन जो 5 डेज की होती है वो भी आपको फ्री दिया जाएगा, उसके लिए भी कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा आपसे। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो आप लोगों तक मुझे पहुँचाना था। आई होप कि ये जो मेरी बातें हैं, जो आपके सवाल हैं, उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलूँगा नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए रिजल्ट के साथ। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चलते चलते इस वीडियो को लाइक कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी का जो बेल आइकन है उसको ऑल कर लो, क्योंकि हमेशा मंगलवार और शुक्रवार मेरे वीडियोस आते रहते हैं, नए वीडियोस आते रहते हैं जो आपको जानकारियाँ देते रहेंगे, आपके नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। मिलूंगा दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने इतना वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच दोस्तों।